Amod Barman, age 84, with love from wife, sons and daughters, sons-in-law and daughters-in-law, and grandchildren. The woods were lovely, dark and deep. You kept all the promises you had to keep, and miles you went before going to sleep. Vinod, Pramod, Subodh, and the Burmans. Oh, 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 oh. Itna bada shok sandesh? Ye Amod zarur koi bada asami raha hoga. सबको वसीयत में लड्डू बराबर बांट के गया है, उसके जाने से सब खुश है, इसलिए तो हो रहा है ये। मिस यू, मिस यू, मिस यू। कार्लोस डी कोस्टा लेफ्ट अस ऑन 20 जून 1997। ये कंगला है, इसने कुछ नहीं छोड़ा होगा। हाँ, इसलिए तो चार अक्षर में टाटा गुड बाय। हर बात पे मजाक। अरे मरे हुए लोगों को तो छोड़ो। अरे देथ इज अ ब्लडी जोक। सब पार्ट घिस चुके हैं, फिर भी लोग मरने से डरते हैं। क्यों, आपको डर नहीं लगता मरने से? भाई साहब, 1942 में लाठी चार्ज के वक्त मैं सबसे आगे था, सीना तान के खड़ा था। लाठियां तो हमने भी खाई हरि भाई, फर्क सिर्फ इतना है आपने जमीन पे खाई है, हमने आसमान पे। लगता है चंद्र आ गया। वो चंदर की बेटी है ना, व्हाइट साड़ी में। कनाडा से आई है। स्मार्ट लग रहा है चंदर। साले ने ये शर्ट आज के दिन के लिए ही छिपा रखी थी, है? पहले तो कभी नहीं देखी। वो चंदर का बेटा है ना, बिल्कुल चंदर पे गया है। आज जाके याद आई सबको। लो, बज गया ग्रामोफोन। अब फिर से नाटक शुरू। अंतिम संस्कार में लोग रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? अरे सेलिब्रेट करो, नाचो, गाओ, ड्रिंक करो। दिस इज नॉट अ ब्लडी अंतिम संस्कार, इट्स अ फेयरवेल पार्टी। तो तुम्हारे जाने के बाद हमने अगर पार्टी रख ली तो तुम्हें कैसा लगेगा? भारती जी, मैं तो मर चुका हूँगा, है ना, इसलिए मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं होगी। और अगर समझो गलती से मेरी आत्मा भटकती हुई आ गई तो मुझे तो खुशी होगी। एक दो ड्रिंक मार के प्रकाश को डरा के मैं तो भाग जाऊंगा। आज शाम को 8 बजे चंदर जी की याद में हम लोग शोक सभा रखेंगे। 8 बजे। 8 बजे? हाँ, 8 बजे तो तारा का लास्ट एपिसोड है। हरी जी, तारा का एपिसोड ज्यादा जरूरी है या आपके दोस्त चंदर जी की शोक सभा? ऑब्वियसली तारा। ये आप देखिए, चंदर भी तारा का लास्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसे पता चलेगा कि हमने वो तारा का लास्ट एपिसोड उसकी वजह से मिस कर दिया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा आपको ढूंढते आएगी। नहीं, नहीं, शोक सभा कल शाम को ही रखते हैं। अरे कल कैसे, कल तो बनेगी अपनी बात है। नहीं, शोक सभा सुबह रखते हैं। अब मेडिटेशन है और उसके बाद तो एक्सरसाइज के बाद रखते हैं। हाँ। नहीं नहीं भाई, सुबह तो मैं बिल्कुल नहीं उठ सकता। और वो सुबह वाला प्रोग्राम जो आता है। एक मिनट, सबकी बातें और सारे मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि आज अभी इसी वक्त हम चंदर को 1 मिनट का मौन प्रदान करेंगे। यही ठीक है, चल उठते। एक मिनट हो गया। अच्छा मीटिंग था। हाँ, थैंक यू प्रकाश जी, चंदर भी खुश हुआ होगा। कहाँ चंदर? यहाँ आपके पास तो खड़ा है। जय हनुमान ज्ञानकुट सागर, जय कबीर सिंह लोग, जय हनुमान ज्ञानकुट सागर, जय कबीर सिंह लोग। अरे आपको थैंक यू कह रहा है, डरते क्यों? अरे पकड़ो कैसे। हो गया आप सब लोग का ड्रामा, अब मेरी सुनो। आज रात चंदर के लिए
एक स्पेशल मीटिंग होगी, ठीक 8 बजे। मैनेजमेंट का फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलेगा, समझे? चलो। समझे? आपसे मिलने की जिद कर रहा था, और यहां देखिए अपनी दुनिया में मस्त है। तुम दोनों घर में अकेले, जब ये सोचता हूं तो बस। हम दोनों ठीक हैं, और वैसे भी आप कितना कुछ करके गए हैं हमारे लिए, और फिर हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी तो हैं ना। किसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों हमेशा उदास रहते हो? मेरा मुंह ही ऐसा है। पहले तो बड़ी हंसी मजाक किया करते थे। जब तुम दोनों आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं देर तक उदास नहीं रह सकता। ओ, फैमिली टाइम, ठीक है, मैं बाद में आता हूं। थैंक यू। अच्छा और बताइए, यहां क्या चल रहा है? वही रूटीन, एंड दैट ब्लडी मखीजा, ही ट्रीट्स अस लाइक एनिमल्स। अरे उस मखीजा को छोड़िए, लेकिन बाकी सब तो आपका इतना ख्याल रखते हैं, और ये भी तो आपकी फैमिली ही है। मुझे फैमिली होने का कोई हक नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मोर बोले केहू केहू काले बादल छाए रे, मैं नाचूं तू गा मेरे संग जियरा खुश हो जाए रे। मोर बोले केहू केहू, क्या हुआ, नाराज हो गई डार्लिंग? प्लीज बिहेव योर एज। मैं अपनी एज तो बिहेव कर रहा हूँ। मोर किसी भी उम्र में कह सकता है केहू 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 केहू। You're really disgusting. Oh, रूठ गई मैडम, रूठ गई। हाँ, भारती जी आप मुझे बताइए, आप ये स्वेटर क्यों बुन रही हैं? ग्रीस में बहुत ठंड होती है ना। अरे ग्रीस में ठंडी पड़ रही है तो तुम ये स्वेटर यहाँ काहे बुन रही हो? अबे बेवकूफ, वो ग्रीस जा रही हैं खुद। एक साल से प्लान कर रहे हैं। टीना, कौशल और नितेश के साथ जा रही हूँ ग्रीस। मेरे लिए ग्रीक वाइन की बोतल लाना। सुना है एक ही ग्लास में चढ़ जाती है। हाँ, और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप 2-3 ग्रीक लड़कियां भी ले आना। 2-3 लड़कियां? हाँ। उम्र देखी है आपने? वैसे तो मुझे एक्सरेटेड बातें करना पसंद नहीं है, पर आपको बता दूं कि इस उम्र में भी मैं ये चर्चा ब्रेक के बाद करेंगे, कंटिन्यू। आइए आइए नितेश कुमार, आइए। हेलो बेटा। नानी, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए और अब मैं 2 महीने की छुट्टी। पता है मुझे कैसे गए एग्जाम्स? अरे छोड़ो ना। नहीं आंटी, थैंक्स। ये ट्रैफिक भी ना, हर दिन 100 नई गाड़ियां आती हैं इस शहर में। नितेश उसके साथ मत खेलो, वो नानी के लिए है ना, उसे ओपन मत करो। अरे रहने दो ना, क्या है इसमें? कुछ स्वेटर्स हैं आपके लिए, आप कह रही थी ना आपको ठंड लग रही थी। इसके क्या जरूरत है, मैं खुद बना लेती हूँ ना, याद है तुम छोटी थी। आई, मैंने कुछ पेपर्स मांगे थे आपसे, वो रेडी हैं, मुझे निकलना है, दे दीजिए। ये रहे दिन। ओके चलो। नहीं, मुझे नानी के साथ ही रहना। अरे थोड़ी देर बैठना, अभी तो आई है। अरे इसके बाद नितेश के ट्यूशन्स भी है माँ, टाइम नहीं है। ट्यूशन्स? अभी तो एग्जाम पूरी हुई उसकी। वही तो मैं कह रहा था। नितेश मैंने क्या कहा था, जिद नहीं करते। चलो नानी को बाय बोलो। अरे वाह 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 वाह, प्रेजेंट मिली है आपको कोई अच्छी सी, देखें क्या है। वाह स्वेटर है, बढ़िया है कि नहीं?
भारती जी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपका कोई अपना आपसे मिलने तो आता है, दो चार घड़ी कोई सही। आपकी बेटी आपसे मिलने तो आती है और इस बच्चे से मिलके मेरा दिल भी बहल जाता है। आपके तो पोती पोतियां होंगे। है, सब है, लेकिन आज से 8 साल पहले मेरे बेटे मुझे यहां अकेला छोड़कर अपने परिवारों के साथ अबू धाबी चले गए। पहले साल डेढ़ साल तक तो कभी कभार फोन कर लिया करते थे हाल चाल लेने के लिए, अब वो भी नहीं। अब तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, उनका पता भी नहीं है। मेरे पोते पोतियां कितने बड़े हो गए होंगे, कैसे दिखते होंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम। उन सबको एक बार एक साथ देखने की तमन्ना तमन्ना ही रह गई। देखिए, खुश रहने का एक ही फलसफा है, किसी से ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। अब मुस्कुराइए। That's my girl. चलिए कार्ड्स खेले हम। हाँ, not a bad idea. चलिए आइए, हो जाए। ये चाहिए था मुझे। आज कौन सा दिन है? बैंगन और दाल का। क्या ये कह रहे हैं? बुधवार है भैया, कल तो राजमा और आलू गोभी है। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को कमरों में कैलेंडर के बजाय मेस का मेन्यू टांग देना चाहिए। अब रोना मत, परसों कहा था ना चलो बर्गर खाने चलते हैं, तो मुंह बना दिया था। पता नहीं क्यों यहाँ से चलते नहीं हो कभी। यार मुझे बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिनों से कहीं बाहर गया नहीं हो ना। नहीं, जब आया था शुरू शुरू में तब तो एक दो बार गया हूं बाहर, लेकिन बाहर की ट्रैफिक, भीड़ भाड़, कारें, लोग, मुझे वहशत होने लगती है। वैसे भी बॉस, मैं ये वाहियात खाना तो खाता नहीं हूं, ये तुम्हारा जंक फूड। मेरे दिल में तो बस मटन बिरयानी के ख्वाब रहते हैं। अरे भैया, मटन बिरयानी का नाम मत लो, बहुत सालों से खाया ही नहीं। उस दिन गार्डन में एक बकरी को देखा, मन किया कि वहीं उसका टिक्का टुक्का के माकुमरमा बना के खाएंगे। क्या आत्मराम जी, किसी का मर्डर किए बगैर क्या आपका खाना हजम नहीं होता है? अरे लक्ष्मी जी, आप क्या जानो नॉनवेज का स्वाद, वो रोगन जोश, वो नली निहारी, वो सीख कबाब। अरे लक्ष्मी जी, जरा अपने इडली डोसे के धोखे से बाहर आइए ना। ये जनाब, तो खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है, हमें आप लोगों से बात करनी है, बहुत ही गंभीर बात। एक मिनट, मैं तनी वो लघु सक्का से। नहीं नहीं, अभी यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, हमें एक बहुत बड़ी शंका के बारे में बात करनी है। देखिए, हमें कहते हुए शर्म आ रही है, बल्कि हैरानी हो रही है बताते हुए कि यहाँ पर हमारे यहाँ चोरी हो रही है। चोरी? यहाँ पर? हमारे घर में? जी हाँ, हमारे ही घर पर। किस चीज की चोरी? हाँ बताओ। बिस्कुट की। कह रहा है बिस्कुट की चोरी? जी हाँ, हमारे किचन से बिस्कुट की चोरी हो रही है और शर्म आ रही है ये बताते हुए कि अंदर वाले का ही किसी का काम है ये। आप हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? रियली प्रकाश जी, didn't expect this from you, huh? हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ क्या, हम लोग बूढ़े हैं लेकिन लाचार नहीं है।
हम पर इल्जाम लगाने की जरूरत कैसे की तुमने? नहीं नहीं देखिए, हमारा काम है ये हिसाब रखना, मैनेजमेंट को मतलब हिसाब देना पड़ता है ना, आप तो जानते हैं कि हम प्रकाश जी सीनियर सिटीजन होम में भूखी प्यासी आत्माएं भटकती रहती है, जरूर उसी आत्मा का काम होगा, बिस्कुट की भूखी आत्मा घूम रही है। हे बजरंगबली, हमने तो कहाँ जा रहे हैं आप? इस बारे में सोचा ही नहीं, लगता है किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। तो वहाँ से जाइए ना, दरवाजा वहाँ है, श्री गुरुचरण सरोवर तो भूत है, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रोग पर विमल जस जोदायक फलचार पढ़ता रहता है। शुक्र है उसने याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था। अरे अरे, मैं भी भूल गया था। अगली बार वो क्रीम चॉकलेट वाले बिस्कुट चुराना चाहिए। मुझे मालूम था तुम लोग भी ना बिल्कुल नहीं सुधरोगे। पिताजी, हम सुधरना तो चाहते हैं, पर समय कहाँ है। प्रकाश तो भोला है बेचारा, एक बार मखीजा ने पकड़ लिया ना तब पता चलेगा। पिताजी हमें डराने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं समझा रही हूँ। चलिए हरी जी, आपका दवाई का टाइम हो गया। मैंने दवा तो ले ली है, सुबह उठ के ओलमंग का एक शॉट, वो दवाई नहीं होती है। पर डॉक्टर ने कहा है मेरे के दवा दारू समय पर ले लेना चाहिए। हरी जी, हाँ दारू तो ले ली मैंने, अब दवा दे दीजिए। यू आर इम्पॉसिबल, ये लो। गीताजी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आप बोर हो जाती होंगे हम बुड्ढों के साथ काम करके। अरे आप लोगों ने देश की सेवा की है, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, इट्स माय ऑनर। हालांकि आप लोगों की हरकतों को देख के नहीं लगता कि आप लोग फ्रीडम फाइटर्स थे। क्या बात कर रही हैं आप? अरे 1942 तीन बार जेल में। मैं 1945 दो ही बार गांधी जी के साथ। वैसे बापू जी के साथ जेल बुरा नहीं था। गीता जी, जेल में ही तो हम लड़के से आदमी बने। और आप दमन जी? दमन जी हैज आल्सो फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। ग्रेट, व्हाट ग्रेट? क्या मिला हमें लड़कर या हम सबको लड़कर? तमन जी, मैं समझी नहीं। आजादी का जज्बा हमारे दिलों में गांधी जी ने पैदा किया था, हम उनकी एक आवाज पर मर मिटने को तैयार थे। एक बार तो ऐसा लगा कि नई शुरुआत होने वाली है, इतनी कुर्बानियों के बाद नई सुबह आने वाली है, आजाद हिंद की आजाद सुबह। आजादी अपने साथ एक ऐसा बंटवारा लेकर आई कि जो हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे, वो सिर्फ दो कौमें ही नहीं तो देशों में बट गए। अंग्रेजों को तो हमने यहां से बाहर निकालकर फेंक दिया, मगर उसके बाद हमारे अपने ही अपनों पर टूट पड़े। अच्छा मैं चलती हूँ, रजत का शायद कॉल आएगा आज। तीन हफ्तों से उसका ना फोन ना कोई खबर। अकेली रहती हो ना, डर लगता है। अकेली क्यों, हम है ना? यस, वी आर ए बिग फैमिली। हाँ, बिस्किट के बारे में किसी को बताना मत। हरी जी, आप चोरी करके खाना थोड़ा कम कीजिए। और आत्माराम जी, आपके शुगर लेवल्स बहुत हाई है। अरे बचपन से ही मेरे सारे नंबर हाई रहे हैं। डोंट जोक आत्माराम जी,
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखिए, बस ठीक है। आती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुछ और लगा यार, न्यूज भी आजकल बोरिंग हो गई है, वही लीडर्स के स्कैम्स। आई एम पिस्ड ऑफ। मैं अभी आया मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित। ही इज परमानेंटली पिस्ड ऑफ। स्वतंत्रता दिवस के 50वीं सालगिरह पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। हमारे संवाददाता के अनुसार सभी सेनानियों को आमंत्रण भेजे गए हैं। और अब मौसम का हाल। हमको कोई इन्विटेशन नहीं मिला। आया होगा भारती जी, चेक कीजिए। मुझे तो नहीं लगता हमें मिलेगा, क्योंकि हमने कभी पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया। अरे पेंशन नहीं मिला तो क्या हुआ, फ्रीडम फाइटर्स होने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब ये बात सरकार को कौन समझाए भारती जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया कुछ नहीं लेकिन पेंशन जिंदगी भर खाई। हम लोग आजादी के लिए लड़े, पेंशन के लिए नहीं। और बदले में हमें क्या मिला? करप्शन, स्कैम्स, गुंडागर्दी। कभी कभी तो सोचता हूँ कि ऑल दिस एफर्ट एंड सैक्रिफाइस, वाज इट ऑल वर्थ इट? यस इट वाज। मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था। तो आपको इनविटेशन मिला? कौन सा इनविटेशन? वही 50th इंडिपेंडेंस डे के परेड में दाखिल होने के लिए। हाँ वो इनविटेशन मिला, तुम सबको भी मिलेगा। मैंने इस विषय में एक लेटर लिखने वाला हूँ। हम सब इकट्ठे दिल्ली जाएंगे। जैसे तुम्हारे कहने पर सबको इनविटेशन मिल जाएगा। और फिर वहाँ आने जाने का रहने का खर्चा? अरे पहले तो ये सोचिए यहाँ से निकलेंगे कैसे, परमिशन कहाँ से मिलेगी? ए जहाँ चाह वहाँ राह। ये लोग कुछ भी बोले मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इंडिपेंडेंस, क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद? देश को बर्बाद करके रख दिया। अगर आप इसी मूड में रहे तो हम दोनों घर वापस जा रहे हैं। ओह नहीं, प्लीज नहीं। तुम दोनों ही तो हो जो मुझे सुनते हो, समझते हो, वरना यहां तो सब समझते हैं। आई एम जस्ट एन एंग्री ओल्ड मैन। आई एम सॉरी। पागल हो गए हो क्या? कौन है? उठा। अबे अब ये क्या कर रहा है? अबे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? नहीं, काले कुत्ते ने काटा है। कसम खुदा की मजा आ गया। इतने महीनों से यह कबाब मेरे ख्वाबों में आ रहा था, आज हाथ लगा है। मेरे यार जी भर के खाओ। और कभी कभी हमारे साथ ये चार दीवारी के बाहर भी आओ ना। मन तो मेरा भी बहुत करता है। चलो चलेंगे किसी दिन तुम लोगों के साथ, हिम्मत करके देखा जाएगा सारा। तो हरी बाबू कुछ विचार किया के नहीं? किसके बारे में? वही जो पिछली बार ब्लैक डॉग पीते हुए आपने अपने दिल की बात बताई थी, उसे ही के बारे में। वो तो उस दिन ज्यादा पी रखी थी इसीलिए। अच्छा बेटा, अबे हम भी तो सुने कि माजरा क्या है। हमारे परम बंधु हरि को अबे प्यार, किससे प्यार? लक्ष्मी। लक्ष्मी? ये बेवड़ा कुछ भी पके जा रहा है। कौन बेवड़ा है? तू है? और नहीं तो कौन? अबे तू साले लक्ष्मी से प्यार करता है? बात आगे बढ़ाई। यही तो मैं भी कह रहा हूँ इस बुद्धू हरी से। समय आने पर बढ़ाऊंगा।
भाई हम तो एक ही बात कहेंगे, दिल की बात दबानी नहीं चाहिए। 100 बात की एक बात कह दी बाबू। क्या दमन बाबू, कहाँ खोए हो भैया, सब ठीक तो है? आई एम सॉरी मकबूल भाई। You have to let it go, Daman. कोशिश तो करता हूं हमारी भाई, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन वो दिन 23 December 1947 अटकी हुई रील की तरह मेरे मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है। बार यार, ये 23 December 1947 इस दिन हुआ क्या था यार? 23 December 1947 शाम को दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। दमन के मोहल्ले में कुछ नहीं हुआ, वहां शांति थी, पर उसकी बाजू वाली गली में हिंदू मुसलमान के दंगे जोरों पर शुरू हो गए। लोग घर में घुस घुस कर एक दूसरे को मार रहे थे। एक घर में दो आदमी एक 18 साल के लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे, उसको जलाने वाले थे। दमन उस वक्त वहां पहुंच गया, उसके पास एक पिस्तौल थी। उसे देखकर वो दोनों आदमी वहां से भाग गए। वो लड़का इतना घबरा गया था कि दमन को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। लड़का बुरी तरह से घायल हो गया था। दमन उसे अस्पताल ले गया। वो समय पर नहीं पहुंचता ना तो वो लड़का मर जाता। देरी से दमन घर पहुंचा, पर वो पहुंचा तो खत्म हो गया था सब। उसकी बीवी और उनका 7 साल का बेटा दोनों को मार डाला गया। उस हादसे के बाद दमन ने जैसे जीना ही छोड़ दिया। उस सदमे की वजह से दमन कई बार उनसे बातें करता है। वो कहता है कि लेखा और राम उसे मिलने आते हैं। That's why my friends, he can never let it go. सब रिपोर्ट्स परफेक्ट है, अब आराम से ट्रिप पे जा सकते हो। मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। थैंक गॉड। अरे आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? वो रजत का फोन आया था। अगले हफ्ते आ रहा है। तब भी चेहरे पर इतनी रौनक है। अरे तुम्हारी लव मैरिज हुई थी ना? हाँ, इनफैक्ट लाइक हम एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं। लाइक स्कूल में हम लोग एक साथ जाते थे। बड़ी फिल्मी लव स्टोरी है हमारी। फिल्मी लव स्टोरी तो मेरी सुनो। अच्छा? हमारी लव स्टोरी तो 10th standard से शुरू हुई। हम लोग ट्यूशंस के बहाने फिल्म्स देखने जाते थे सुबह से लेके रात तक। 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9।
इतने फिर हम लोग ना 19 साल के थे, पॉलिटिकल रैलीज हड़ताल वगैरह के बीच में हमारा रोमांस चलता रहता था। मम्मी थिएटर जाते थे लेकिन फिल्म देखने नहीं, किसिंग सेशंस के लिए। रियली? हाँ, उसमें शर्माने की क्या बात है। मैंने तो तय कर लिया था अगर लड़का अच्छा किसर ना हो तो वो मेरा लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। अरे बाप रे, काफी एक्स रेटेड लव स्टोरी है आपकी। सबकी एक्स रेटेड लव स्टोरी होती है, कोई बताता नहीं बस। एनीवे तो रजत ने आर्मी ज्वाइन की, उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई। तो पहली बार जब वो वापस लौटा तो हम अपने पेरेंट्स को बता दिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हो, मान ही नहीं रहे थे। तो हमने भाग के शादी कर ली। रियली? मेरी लव स्टोरी में एक विलन भी था, मेरे पिताजी। क्यों, पिताजी को क्या प्रॉब्लम था? वही रिच गर्ल पुअर बॉय, 40s में तो ये चलता ही था ना। और नरेन कलकत्ता पढ़ाई के लिए चला गया और पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी रूपेश के साथ। मैंने पिताजी के सामने शर्त रखी, जब तक देश आजाद नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1947 में देश आजाद हो गया। अब आजादी की खुशी तो थी लेकिन मुझे शादी करनी पड़ी। अब रूपेश की और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा, और एक था ना, वो ही वॉज नॉट अ गुड किसर, मैं भूल गई ये बताना। 6 महीने के बाद वो भाग गया। उसका अफेयर किसी गोरी मैम के साथ था, वो इंग्लैंड चली गई, उसके पीछे ये भी चला गया। फिर मेरे पिताजी और मम्मी को फिक्र लग गई कि इस लड़की से शादी कौन करेगा। उतने में नरेन आ गया और हम दोनों की शादी हो गई। एंड वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सच कहा आपने, काफी एक्साइटिंग लव स्टोरी है आपकी। 50 साल साथ रहे हम लोग। Till death did us part. God bless. और आप लक्ष्मी जी, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरी लाइफ काफी डल और बोरिंग थी। हाँ, कोई तो हुआ होगा, बता बता कौन था वो। आपको किसी से प्यार नहीं हुआ? हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिस में एक साथ काम करते थे, सीक्रेट सर्विस, टॉप सीक्रेट। हमारा काम इतना सीक्रेट था कि किसी को पता ही नहीं था कि हम क्या काम करते हैं। लक्ष्मी जी, आप स्पाई थी? अरे बोल ना, ये भी तो अपनी फैमिली की है। Something like that. Wow, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। अच्छा तू भी ना। वो सब फिल्मों में झूठ दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब उस लड़के के बारे में बताना, कौन था वो? हम दोनों सीक्रेट सर्विस में काम करते थे। हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, कोड नेम था। मिलते थे, मुझे काफी अच्छा लगता था। फिर इंडो चाइना वॉर में हमारी पोस्टिंग बॉर्डर में हुआ, एक ही मिशन के लिए। वहां से वापस आने का टाइम हो गया था, हम इंडिया वापस आ रहे थे, तभी उसने मुझे एक लेटर लिखा। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करता है। I was very happy. फिर अचानक हमारे होटल में रेड पड़ गया। हम सभी अंडरकवर में थे पर पता नहीं उसे कैसे पकड़ लिया। हमारे ग्रुप में एक कोड था, अगर कोई पकड़ा गया तो हम नहीं बताएंगे, उसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे।
चाइनीज सिपाहियों ने उसे मेरी आंखों के सामने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि मार ही डाला, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो गया आज? डोंट वरी, आई वोंट क्राई। सुखी लक्ष्मी जी, कभी कभार रोना अच्छा होता है। कौन यार रोने की बात कर रहा है? कोई नहीं रो रहा है, लक्ष्मी जी की लव स्टोरी सुन रहे हैं। अच्छा, नहीं, कसम खुदा की मैंने कुछ नहीं बताया। नहीं, क्या 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 हुआ? सुन सुन सुन, क्या कर रहे हैं लोग? यार मैंने कुछ नहीं कहा, कसम से नहीं कहा यार। ये हरी भी ना बिल्कुल क्रैक्ट है, पर दिल का बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने सबके रिपोर्ट्स देखे हैं, सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सबके दिल कमजोर है। That's bad. अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो पता है ना आप लोगों को क्या करना है? तेरे होते हुए हमें क्या टेंशन है? गुरु, अब ये मैच कहीं नहीं गया। बिल्कुल अब तो जीतने जीतना है, बॉस जीतना ही है। वाह। अरे बस करो तुम्हारा क्रिकेट मैच, हमको भी टीवी देखना है। भारती जी, कोई मामूली मैच नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहा है। ये नया लड़का डेविड क्या खेलता है? डेविड नहीं यार, इसका नाम द्रविड है, राहुल द्रविड। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ले मार दिया। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। हाँ दे यार, दे यार। अरे ये तो मैच देखते देखते सो गया। अबे देख, उठ देख, हम लोग जीत रहे हैं यार। 10 मिनट हो गए, तू लघु शंका के लिए भी नहीं गया, उठ जा। अरे उठ जा, हम जीत रहे हैं अभी। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आत्माराम जी, आत्माराम ने हम दोनों के लिए लेटर्स रखे हैं, वो सच बोल रहा था, उसने सब कुछ सोच रखा था, वो चाहता है कि हम सब दिल्ली जाएं, उसने टिकट का इंतजाम भी कर रखा है, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। तमन मेरे दोस्त, 23 दिसंबर 1947 की वो काली रात मैं भी कभी नहीं भूला। कुछ लोग मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे जलाने वाले थे, तभी एक अजनबी ने देवता के रूप में आकर मुझे बचा लिया। मैं उस दिन उस अजनबी का नाम तक नहीं पूछ पाया,
लेकिन उसकी आवाज में कभी नहीं भूला। जब 3 साल पहले यहां आया तो तुझे मिलते ही मैं समझ गया कि तू ही वो आदमी है। मैं सोचता रहा कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं, लेकिन तेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। पर तू टेंशन मत ले, नेक्स्ट लाइफ में तेरे सारे दुख दर्द मैं ले लूंगा और तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। I promise. ये गीता जी सर, तुम्हारे ससुर का फोन था। आई एम सॉरी। लेकिन वो तो रिकवर हो ही रही थी। मेरी सास, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। गीता आई एम सॉरी बट फोन रजत के बारे में था। बेचारी गीता, कुछ बात हुई उससे? डॉक्टर ने क्या कहा? दोनों पैर एम्पुटेट करने पड़े। कश्मीर के लैंडमाइंस एक्सप्लोजन में घायल हो गया। ओहो, इज सो यंग बेचारा रजत। या वेरी सैड। गीता माथुर कुछ टाइम तक हमारे साथ नहीं रहेंगी, सो मैनेजमेंट ने हमारे हेड ऑफिस से इन्हें भेजा है। यह है लीजा फर्नांडिस, आपकी नई वार्डन। ये पिछले 10 साल से इंग्लैंड में थी और क्रॉम्पटन फाउंडेशन के हर ओल्ड एज होम में काम कर चुके हैं। अब ये आप लोग के साथ काम करेंगे। हेलो एवरीवन, फॉर योर बेटर केयर द क्रॉम्पटन फाउंडेशन हैज मेड सम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गया? रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस यस, आपको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, फॉर योर ओन गुड। आई हैव नोटिस्ड दैट इन दिस होम डिसिप्लिन इज अ बिग इश्यू। लाइक दिस मॉर्निंग ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट सम ऑफ यू डिडंट फॉलो द प्रोटोकॉल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम टू फिक्स All of this. Protocol. Room number 10 and 12, please come forward. Room number 10 present, madam. 10, 12. Always, always. सुबह उठने के बाद अपने शीट्स को लॉन्ड्री में डालने का। पर मैं तो दोपहर नहीं, सुबह को शीट्स देना पड़ेगा। पर गीता तो I'm not Geeta. No more indiscipline. Paper.
ये आपके कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स? हम लोग स्कूल के बच्चे हैं क्या? द मैनेजमेंट हैज गिवन मी फुल अथॉरिटी हियर पीपल। जस्ट अ मिनट। नो नो नो, इफ यू हैव एनी इश्यूज कम टू माई ऑफिस। अब आप लोग कृपया ध्यान रखिएगा, ये रूल्स और रूल्स ब्लडी रूल्स, ये आर्मी कैंप है क्या? देखिए, ऊंची आवाज से बात करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इस उम्र में हार्ट अटैक जरूर हो सकता है। आप लोग की भलाई इसी में कि वार्डन लीजा की बात सुने। अखिल जी, अब आई एम रियली सॉरी, आई मीन देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन देखा जाएगा। इस वक्त हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो दरअसल आत्माराम चाहता था कि हम सब उसके साथ दिल्ली जाएं टू सेलिब्रेट 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। जी, लेकिन इनविटेशन सिर्फ आत्माराम को आया था। बट ही वांटेड ऑल ऑफ अस to be there with him. तो अगर आप हमें परमिशन दिलाने की मदद करें तो दिल्ली यहां मैनेजमेंट आप लोग के लिए नए रूल्स लाने की कोशिश कर रही है और आप लोग कह रहे हैं कि आप दिल्ली जाएंगे। भूल जाइए। फर्स्टली, आप लोग को इन्विटेशन नहीं आया। सेकेंडली, आपकी फैमिली मेंबर्स जब हमें परमिशन देंगी तो ही आप यहां से बाहर जा सकते हैं। पर अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भूल जाइए। चलो। तो क्या हम नहीं जाएंगे दिल्ली? वो भी 4 दिन के लिए? नहीं आई, इट्स टू डेंजरस। अगर बाड़ा, ये हमारे लिए जरूरी है। बिना इनविटेशन के आपको कोई वहां जाने देगा? पता है कितनी सिक्योरिटी होती है वहां? माना कि आत्माराम अंकल की आखिरी इच्छा थी, पर लॉजिकल नहीं आई। आएगा प्लीज, अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई ना तो लोग हम पर उंगली उठाएंगे। तुम दिल्ली नहीं जा रही हो, तुम ग्रीस आ रही हो हमारे साथ। ये देखो, तुम्हारा टिकट भी आ गया। हैप्पी? सो प्लीज, ये स्टूपिड आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे मुझे कहना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप सभी को ये आइडिया भूल जाना चाहिए। यू गाइज आर टू ओल्ड टू ट्रेवल। अच्छा, मैं निकलती हूं, मुझे पैकिंग भी करनी है और बहुत सारे काम है। चलो नितेश, लेट्स गो। अरे, अभी तो आया ये बंदर, इतनी जल्दी? चलो लेट्स गो। Silly girl, we are not that old. पता नहीं ये, I don't know. क्या कहना चाहता है ये? What's going on? आई नो, तुम सबको मेरे स्टाइल के साथ प्रॉब्लम है। एंड आई ऑल्सो नो दैट यू डोंट लाइक मी, बट यू नो वॉट, आई डोंट केयर। मैंने सुना है कि तुम सब फ्रीडम फाइटर्स था, बट ऑल दैट इज इन द पास्ट। नाउ ऑल ऑफ यू आर our responsibility, my responsibility. और अगर कुछ भी wrong हुआ ना तो Crompton Foundation का नाम खराब हो जाएगा। And I hate indiscipline. Do you understand? लगता है तुम सब Britishers के साथ fight करते करते British राज का discipline ही भूल गया है। In fact,
That is the main problem of our country. Britishers क्या चला गया? सब लोग अपने अपने तरीके से जीने को लगा. No order, nothing at all. तो तुम कहना चाहती हो कि ब्रिटिश राज में जब हम गुलाम थे तभी हम बेहतर थे और अब नहीं? Exactly. At least तब कुछ rules और regulations तो था. And you people, you all are just hopeless. अरे हिटलर की बेटी है ये. मैं लेट क्या पहुंचा ब्रेकफास्ट के लिए, उसने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया. ब्रिटिश जेरोक्स यार, ये वार्डन नहीं है, शैतान की खाला है. शैतान की खाला. सुबह नाश्ते पर मैंने एक एक्स्ट्रा एग क्या मांग लिया, अरे मना कर दिया चुड़ैल ने. कहां के फ्रीडम फाइटर्स हैं हम? पहले देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे हम, और अब ओल्ड एज होम से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं. नहीं, इतनी जल्दी हम हार मानने वाले नहीं हैं. दिल्ली तो हम चाहेंगे. अरे हम इस देश के लिए लड़े और जीते भी. अगर हम ना होते तो यह देश आज तक गुलाम होता. और ये कौन है हमें रोकने वाले? They are free because of us. कहां थे ये सब जब हम देश के लिए अपना खून बहा रहे थे? Where the hell were they? Yes, they were not even born. नहीं, हम लोग बूढ़े जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लाचार हैं. लेकिन हम जाएंगे कैसे? कब कैसे वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ तुम सब तैयार हो? बिल्कुल तैयार है. मैं तैयार हूं अपनी आजादी के लिए और मेरे दोस्त आत्माराम के लिए. हम भी तैयार हैं. आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती, लेकिन आप लोगों को जो भी मदद करनी है मैं जरूर करूंगी. क्या हुआ? क्या हुआ? आत्माराम की फाइल थी यहां पर, कहां गई? अरे वो हिटलर ले गई समेत के सब यहां से. पर उसमें कुछ पेपर्स ऐसे थे जो हमारे काम के थे. कैसे पेपर्स? वो उसके कुछ अच्छे कनेक्शंस थे और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो हमारे इनविटेशन के लिए ट्राई करेगा. वो पेपर्स तो ऑफिस में होंगे, अगर गीता होती तो हमारे लिए ढूंढ के निकालती. लेकिन आप मुश्किल है. मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. साला प्रकाश, दिन में गुड बॉय, रात में प्ले बॉय. अभी कुछ मिला? जल्दी कर, कोई आ जाएगा. तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं अरे 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 मकबूल जी, अरे वार्डन, देखो जल्दी बाहर आओ. ये क्या हुआ?
पता नहीं अभी तो ठीक थे। चलो अंदर लेके चलो। आइए आराम से, कुछ नहीं, आराम से। सोफा सोफा फाइन। सारा दिन टीवी 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 देखेगा तो ऐसे ही होएगा ना, गिडीनेस और वीकनेस। कुर्ता उठाओ। हो गया बस। या कसम से बताओ, इंपॉर्टेंट पेपर हाथ लगे या ये बिन बात के इंजेक्शन बेकार चला जाएगा? क्या हुआ? क्या हुआ? लीजा के पेपर्स मिले हैं, जानते हो उसका असली नाम क्या है? अरे उसको छोड़ो, अपने लिए काम के पेपर्स मिले कि नहीं? अरे ये आत्माराम तो बड़ा छुपा रिश्तम निकला, क्या कनेक्शंस थे उसके, क्या कनेक्शंस थे। अरे पता ही नहीं था उसकी इतनी बड़ी पहचान है। इसका मतलब यह कि हमें एंट्री मिल जाएगी? हाँ हाँ, बस एक फोन करने की जरूरत है। किसका नंबर है? रेलवे मंत्री शास्त्री। उनका नंबर है? ना ना, उनके एक चाचा है। उनका नंबर है? ना 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 ना, ना। उनका एक दोस्त है रेड्डी करके, उसके भाई का है। अरे पर ट्राई करने में क्या अर्ज है? हेलो, मैं आत्माराम मिश्रा का दोस्त बोल रहा हूँ। हरी हरी। हाँ जी हाँ, उसने बताया था ना आपको जी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। क्यों नहीं पहचाना ना? अरे टिकट और स्टे का बंदोबस्त हो गया है, हम जा रहे हैं दिल्ली, हाथ मिलाओ दोस्त। चलो भाई, अब जाने और रहने के इंतजाम तो हो गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि परेड में दाखिल कैसे होंगे? परेड में घुसने के लिए हमें पेपर्स चाहिए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड सील। कंसीडर इट डन। कैसे? इंटेलिजेंस सेल नंबर 21। एब्सोल्युटली राइट। पर मैंने तो सुना था सेल नंबर 21 हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय द सर्विसेज। फॉल्स न्यूज़ है, इट्स वेरी मच एक्टिव। उनका ग्रुप लीडर कौन था? मिस्टर श्रीवास्तव। रिटायर्ड हो गए हैं, मगर ग्रुप के साथ बिल्कुल टच में हैं। ओके। बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, किसी भी तरह से उनका नंबर मिल जाए तो। वो नंबर मिलेगा कैसे? दुनिया में किसी भी इंसान से कांटेक्ट करने के लिए बस 6 कनेक्शंस की जरूरत होती है। That means 6 degrees of separation. I used to know one Mr. Mathur, जिनका बेटा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था। आई एम श्योर वो किसी ऐसे आदमी को जानता होगा जो सेल नंबर 21 से कनेक्टेड है। ये क्या घोटाला है भाई, सेल नंबर 21 एंड 6 डिग्रीज ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, सेपरेशन। सेल नंबर 21, इसकी स्पेशलिटी थी फॉर्जरी, लेकिन इसके फॉर्ज पेपर्स भी ओरिजिनल पेपर्स से बेहतर थे। इनविटेशन पेपर्स की फॉर्जरी तो हमने कर ली, पर अगर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? और मुझे इस उम्र में जेल जाने का कोई शौक नहीं है। अगर आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। मगर उसे ढूंढेंगे कैसे? हेलो, कुड आई स्पीक विद मेजर डिकोस्टा प्लीज? ये कौन है भाई? पीएम ऑफिस में सिक्योरिटी इंचार्ज है। सिक्योरिटी है, कोई हलवा नहीं है। और कितने करीब से जानते हो तुम उन्हें? हेलो चैप, हाउ आर यू डूइंग? मैं अंकल धमन बोल रहा हूँ बेटा। मैं उसका गॉडफादर हूँ, बचपन से जानता हूँ उसको। अब यहाँ से निकलने का प्लान, प्रॉब्लम नंबर 2। तुम लोग अगर किसी तरह मेन गेट के चाबी का जुगाड़ कर लो ना, तो रात को आसानी से निकल सकते हो।
मेन गेट की चाबी तो प्रकाश के पास रहती है और वो हमेशा अपने तकिए के नीचे रख के सोता है। लक्ष्मी यस लास्ट टाइम तुम पैंट्री गई थी? हाँ मैं गई थी, आज वो स्टाफ नहीं था ना, तो आई वांटेड टू हैव अ कप ऑफ टी कॉफी टी विदाउट परमिशन चाय बनाया एंड देन यू लेफ्ट द फैन एंड लाइट ऑन व्हाई आई मस्ट हैव फॉरगॉटन आई एम सॉरी फैंटास्टिक वर्ड सॉरी कभी भी यूज कर लो है ना एंड स्पेशली व्हेन इरिस्पॉन्सिबल ओल्डीज लाइक यू यूज इट ऑल द टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट इट लीजा आई सेड आई एम सॉरी आई विल बी मोर केयरफुल यू बेटर बी डू यू अंडरस्टैंड हु द ब्लडी हेल डू यू थिंक यू आर एक्सक्यूज मी अरे समझते क्या हो तुम अपने आप को कहां से आई हो तुम जानते भी हो हम में से एक एक ने कितना काम किया है देश के लिए और ये लक्ष्मी जिस पर तुम बुली कर रही हो वो कितनी कितनी स्पेशल है हमारे लिए जानती भी हो स्पेशल यस स्पेशल स्पेशल यानी स्पेशल अरे इस देश के लिए क्या क्या किया इसने शेम ऑन यू साइमन गो बैक स्टॉप इट गो बैक यू थैंक यू हरि शाबाश मेरे शेर क्या बात है हरि भाई छा गए बॉस वाह 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 अब एक काम और कर अब वो बात भी आज कह ही रहे यहां इतना कुछ कहा है वही वाली बात अरे वो जो आत्मा राम ने तेरे लिए लिखी थी हाँ वो कह दे लक्ष्मी मैं लुखा आदमी हूं टाइम पास मैं जानता हूं अब मेरी बात कोई सीरियसली लेता नहीं है पर आत्माराम ने कहा था कि दिल की बात कह देनी चाहिए दिल की बात को दबा के रखना नहीं चाहिए लक्ष्मी नारायण मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मुझे यही कहना था नहीं मैं जानता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ पर मुझे ये कह देना था इसलिए कह दिया अरे भाई हा? लड़की मुस्कुरा रही है कुछ करो यार करो ना लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी विल यू मैरी मी यस हरी आई विल मैरी यू बट परेड से वापस आने के बाद ओके 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 थैंक यू थैंक यू अभी उठोगे भी चलो बस आता उठ जा मेरा शेर बहादुर शेर उठ जा ये हो ना बादा Are you okay? Come.
आई न्यू इट, मालूम था मुझे तुम लोग कुछ ना कुछ करने वाले हो। हिम्मत तो देखो, साले बुढ़े लोग छुट्टी मनाने जा रहे थे। आई विल मेक वन फोन कॉल और तुम सब के सब जिंदगी भर यहीं पर सड़ते रहोगे। और तुम भारती जी, तुम तो कहीं नहीं जा रही हो। ऑफ कोर्स तुम कैसे जाओगी, तुम्हारा तो हॉलिडे का प्लान ऑलरेडी सेट है, पेपर्स रेडी हैं, टिकट्स भी आ गए हैं। जाएंगे तो ये सारे के सारे लूजर्स, काम कुछ नहीं है और खुद पिकनिक बनाने चले। तुम क्या समझोगी हम क्यों जाना चाहते हैं? हम देश को आजाद करने वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं। तुम ना इधर की ना उधर की, ब्रिटिश लोगों की चमचीगिरी करके ब्रिटिश नहीं बन सकती। यू आर फ्रॉम नो मैंस लैंड, आई पिटी यू। लिसन भारती, आई एम वार्निंग यू, अगर तुमने इन सब का साथ दिया ना तो मैं तुम्हारा ट्रिप भी रोक दूंगी। ग्रीस तो क्या, तुम एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाओगी, समझी? मैं अपने पोते के लिए ग्रीस जा रही थी, लेकिन पिछले दो दिनों में मुझे महसूस हुआ कि मैं अगर नहीं गई तो लॉस विल बी माइन। यू ऑल आर मैड पीपल, पागल हो तुम सब के सब। आई लव माई ग्रैंड सन वेरी मच, बट आई लव माई कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स। डू यू अंडरस्टैंड? You all have gone mad, all of you. Yes, we have gone mad, Miss Lalita. Lalita? Lalita से Lisa नाम change करने से तुम अंग्रेज नहीं बन सकती, समझी? You bloody snake! तुम्हें कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम्हें वहाँ बेइज्जती करके यहाँ भेजा गया है। यहाँ तुम्हारी punishment posting है। Am I right, Miss Lalita? एंड मिस ललिता, अगर यहां से भी तुम्हारी खराब रिपोर्ट्स गई तो तुम कहीं भी काम करने लायक नहीं बचोगी। हाउ डेयर यू चेक माई पर्सनल पेपर्स, साले बूढ़े लोग। मर गई क्या? नहीं, बेहोश हो गई, आधे घंटे में होश आ जाएगा। चलें। उठेगी तो हंगामा मचा देगी। उसे बांध देते, कस के बांधो। हाँ, कस के बांधो, बांध लिया। चलो, 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 चलें। हाँ, चलो। लेकिन मकबूल कहाँ है? देख, 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 जल्दी चलें। दीदी, आप गेट की तरफ जाओ, हम लोग आ रहे हैं। ठीक, जल्दी आ जाना। चलो, 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 संभालो, संभालो। अरे मकबूल भाई, क्या हुआ? अरे भाई, हमसे ना होगा भैया, तुम लोग जाओ। अरे मगर हुआ क्या है? हमें बाहर की दुनिया से बड़ा खौफ लगता है, बहुत डर लगता है। इतने सालों में चार दीवारी से बाहर नहीं गए, दिल्ली तो दूर की बात है। हमें छोड़ दो भैया, तुम लोग जाओ। नहीं, हमसे ना होगा। चलो उठो। नहीं उठो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे तुम तो फ्रीडम फाइटर थे। चलो उठो, हम हैं। चलो चलो, उठिए, चलो उठो, उठिए, 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 उठिए। पानी लाइए। ला बबुल भाई, बबुल भाई, यू ओके? कैसे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। देखिए, हमारी वजह से ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे। उठाइए हमें, मेरा चश्मा कहाँ है? चलिए चलिए, उठाइए। चलो चलो, जल्दी आओ।
लो, कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने। कम ऑन कम ऑन। ये चाबी तो लगी नहीं रही, पक्का इसी की है? वही तो थी। नो, इट्स नॉट वर्किंग। हटो हटो, मुझे कोशिश करने दो। देख लो। ये तो प्रकाश के रूम की चाबी है। माय गॉड, सारी मेहनत बेकार गई। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हैव पेशेंस। पेशेंस? यू लूज पेशेंस, यू लूज द बैटल। गांधी जी, याद है गीता ने क्या कहा था? जस्ट इन केस इमरजेंसी हुई तो गांधी जी के फोटो के पीछे मेन गेट की चाबी छुपा के रखा है। हाँ दीदी, अच्छा याद दिला। To the management of Crompton Old Age Home. हम जानते हैं कि हमने बिना परमिशन यहां से निकलकर मैनेजमेंट का रूल तोड़ा है। इसकी सारी जिम्मेदारी हम अपने सर लेते हैं। लीजा उर्फ ललिता जी को हमारे इस प्लान की कोई जानकारी नहीं थी। ये हमारा अपना डिसीजन था, इसमें वार्डन ललिता जी की कोई गलती नहीं है। तो साहब, क्रॉम्पटन ओल्ड एज होम के हमारे इन बूढ़े शेरों ने अपना सपना पूरा किया। बिना देर किए लक्ष्मी और हरी ने शादी कर ली। दोनों बहुत खुश हैं। इस घटना ने लीजा मैडम को हमेशा के लिए बदल दिया। लंदन के ऑफर्स ठुकरा कर अब वो यहीं अपना ओल्ड एज होम चलाती हैं, पर सख्ती से नहीं, प्यार से। ठीक 3 साल बाद दमन जी भी गुजर गए, पर उनका अंतिम संस्कार एक सच्चे फ्रीडम फाइटर की तरह हुआ और उन्हें स्टेट फ्यूनरल से सम्मानित किया गया। आजकल मकबूल जी के फैमिली से भी लोग कभी कभार उनसे मिलने आने लगे हैं, और वो भी कबाब खाने बाहर जाने लगे हैं। भारती मैडम अपनी बेटी और पोते के साथ ग्रीस घूमने गईं और वापस आकर उनके साथ ही रहने लगी, पर कभी कभी कॉल करती हैं हम सबको, बस इतना ही। अरे हाँ, पर भूतों से डर मुझे अब भी लगता है, सच में।